हम जानेंगे यूपी बोर्ड मंजरी बुक से क्लास सेवन हिंदी चैप्टर फोर का सरांस और उसके कुछ प्रश्नों के उत्तर जिसका शीर्षक है पानी निर्मला, जिसके लेखक हैं बच्चों, इस पाठ की शुरुआत करने से पहले हम लेखक का जीवन परिचय जानेंगे लेखक सचिदानंद हीरानंद वास जी का जन्म 7 मार्च सन 1911 ईस्वी के कुशीनगर जनपद में हुआ था इनको हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के जनक के रूप में ख्याति प्राप्त है इनकी प्रमुख रचना है बावरा अहरी' आंगन के पार द्वार कितनी नाव में कितनी बार शेखर एक जीवन इनकी प्रसिद्ध रचना है इनका निधन 4 अप्रैल सन 1987 ईस्वी को हुआ बच्चों आज हम लोग पाठ्य पुस्तक मंजरी शिवेन की यात्रा निबंध बेहतर पानी निर्मल पढ़ेंगे जिसके लेखक हीरानंद सचिनानंद वात जी हैं इस पाठ में लेखक ने बताया है कि पूर्व सुनिश्चित यात्रा और अनियोजित यात्रा के बीच का क्या अंतर है अपने एक गलत निर्णय के कारण बाढ़ जैसी मुसीबत में फंस जाने का इन्होंने बखूबी वर्णन किया है एक जी को बचपन से नक्शे देखने का शौक है नक्शों के सहारे वे पूरी दुनिया की सैर की मजा लेते हैं लेखक कहते हैं कि यात्रा करने के कई तरीके हैं एक तो यह कि आप सोच विचार कर निश्चय कर लें कि कहां जाना है कब जाना है कहां-कहां घूमना है कितना खर्च होगा फिर उसी के अनुसार सारी तैयारी कीजिए दूसरा तरीका यह है कि आप योजना तो बनाइए कहीं जाने की और निकल कहीं और पढ़िए उन्होंने कहा है कि अंग्रेजी में एक कहावत के अनुसार एक कील के कारण कभी कभी पूरे राज्य से हाथ धोना पड़ता है बच्चों, इस पाठ की शुरुआत हम यहां से करेंगे ऐसा ही कुछ लेखक अय जी के साथ हुआ एक दांत माजने के बुरुस और मोटर की एक मामली से ढिबरी के लिए एक बार वे बड़ी मुसीबत में पड़ गए बरसात का दिन था रास्ता खराब था एक दिन लेखक सवेरे घूमने निकले तो देखा कि नदी बढ़कर सड़क के बराबर आ गई है वो सुनारी गांव के डाक बंगले से दूर आ गए थे और शिव सागर से तीन चाल तीन चार मील पर थे लेखक टूथब्रश और मोटर की एक छोटी सी ठिवरी के चक्कर में उन्हें दो तीन घंटे लग गए और जब वे वापस लौटे तो देखा कि सड़क पर पानी बड़े जोर से एक तरफ से दूसरी तरफ बह रहा था क्योंकि सड़क के एक तरफ नदी थी दूसरी तरफ नीचे सतह के धान के खेत थे जिनकी ओर पानी बढ़ रहा था पानी के धक्के से सड़क कई जगह टूट गई थी लेखक पानी होने की वजह से पीछे भी नहीं लौट सकते थे इसलिए वे आगे बढ़ते गए पर थोड़ी देर बाद पानी कुछ और गहरा हो गया आगे कहीं कुछ नहीं दिखता था सड़क के दोनों ओर लगे पेड़ों पर सांप लटक रहे थे लेखक ने लौटने का निश्चय किया पर सड़क दिखाई नहीं दे रही थी अंदाज से ही वे बीच के पक्के हिस्से पर गाड़ी चला रहे थे लेखक किसी प्रकार शिव सागर पहुंचे शिव सागर से सुनारी को एक दूसरी सड़क भी जाती थी चाय बगानों में से होकर या सड़क अच्छी थी पर इसके बीच एक नदी पड़ती थी जिसे नाव से पार करना होता था लेखक ने इसी रास्ते से सुनारे जाने की सोची लेखक इसी सड़क से नदी तक पहुंचे नदी में नाव पर गाड़ी लाद भी ली और पार चले गए किंतु यहां भी नदी में भीषण बाढ़ आई थी उस पर नदी का कगार ऊंचा था मोटर के लिए उतारी बना हुआ था लेकिन नाव से किनारे तक जो तख्ते डाले गए थे वो ठीक नहीं लगे थे लेखक की गाड़ी नीचे गिरी आधी पानी में आधी किनारे पर लेखक जोर से ब्रेक दबाए बैठे थे आधे घंटे तक उस स्वर्गन सैनी पर बैठे रहने के बाद स्वर्गन सैनी यानी जो पानी का किनारा पगडंडी होता है उस पर बैठे रहने के बाद जैसे तैसे मोटर ऊपर चढ़ाई जा सकी आगे ऊंची जगह पर एक गांव था यही सुनारी से आए दो साइकिल सवारों से मालूम हुआ कि वे कंधों तक पानी में से निकल कर आए साइकिलें कंधों पर उठाकर और मोटर तो कदापि नहीं जा सकती इस तरह इधर भी निराशा थी पानी अभी बढ़ रहा था पर लेखक यहां कैद हो जाना नहीं चाहते थे इसलिए फिर नाव पर मोटर चढ़ाकर उसी रास्ते नदी पार की और रात को किसी तरह शिव सागर पहुंचे फिर क्या एक सज्जन ने ठहरने की जगह दी भोजन बिस्तर का प्रबंध भी हो गया पर मन ही मन लेखक ने खुद को कोशा कि ना नया दांत पुरुष लेने के लिए सुनारी से निकले होते ना यह मुसीबत होती लेखक को यहाँ बारह दिन काटना पड़ा और जब तक मतलब जब डांक बंगले पर वापस पहुंचे तो देखा कि यहां पानी भरा हुआ था सब कुछ भीख कर बर्बाद हो गया था यात्रा में इस तरह की कठिनाइयां झलने पर भी लेखक का मानना है कि घूमते फिरते रहना चाहिए एक जगह टिकना तो मौत है बच्चों अब हम इस चैप्टर के कुछ प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे इस पाठ का पहला प्रश्न है लेखक ने यात्रा करने के कितने प्रकार बताए हैं और उन्होंने किस प्रकार की यात्रा की तो इसका आंसर है लेखक ने यात्रा करने के दो तरीके बताए हैं एक तरीका तो यह है कि आप पहले से ही यात्रा संबंधित पूरी योजना बना लें। और दूसरी यह है कि आप योजना तो कहीं और जाने की बनाए और निकल कहीं और जाए प्रश्न है लेखक ने किन स्थानों की यात्रा की तो इसका आंसर है लेखक ने सोनारी और शिव सागर की यात्रा की थर्ड प्रश्न है लेखक ने अपनी यात्रा में किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया तो इसका आंसर है लेखक जब यात्रा के लिए निकले तो उन्हें बरसात का मौसम होने के कारण कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जैसे मौसम खराब था रास्ता खराब था पूरी सड़क बाढ़ के पानी में डूबी हुई थी न आगे बढ़ने का रास्ता था न पीछे लौटने का फोर प्रश्न है वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैरों से करता हूं मतलब लेखक का कहना है कि वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैरों से करता हूं उससे ज्यादा कल्पना के चरणों से करता हूं इस वाक्य से लेखक का क्या अभिप्राय है इसका आंसर लेखक देश विदेश भ्रमण के शौकीन और यात्रा प्रेमी जान पड़ते हैं स्थूल पैरों से यात्रा करने का उनका तात्पर्य उन स्थानों से है जहां वे स्वयं शरीर पहुंच सके मतलब उनका स्वयं का शरीर पहुंच सके लेकिन जिन स्थानों की यात्रा उन्होंने अपनी कल्पनाओं में की यानी सोच में की उन स्थानों के विषय में उन्होंने कल्पना के चरणों से शब्द का प्रयोग किया है फाइव प्रश्न है, एक कील की वजह से राज्य खोज जाता है कहावत को लेखक ने किस संदर्भ में कहा है तो इसका आंसर है एक कील की वजह से राज्य खोज जाता है यदि इस अंग्रेजी कहावत की व्याख्या की जाए तो इस प्रकार राज की खोने की बात साबित हो पाएगी कि एक कील की वजह से नाल मतलब एक कील नहीं रहती है तो नाल गिर जाती है नाल की वजह से घोड़ा रुक जाता है घोड़े के कारण लड़ाई और लड़ाई के कारण राज से हाथ धोना पड़ता है लेखक ने यह बात इस संदर्भ में कही है कि एक दांत माजने के पुरुष और मोटर की एक मामूली सी ढिबरी लेने के लिए गए और उन्हें लौटने में तीन घंटे की देरी हो गई तो वे बाढ़ जैसी मुसीबत में पड़ गए मतलब बाढ़ जैसी मुसीबत में उनको सामना करना पड़ा बाढ़ जैसी मुसीबत से उनको सामना करना पड़ा सिक्स प्रश्न है यात्रा करने में हमें नक्शा किस प्रकार सहायता करता है तो इसका आंसर है नक्शे से यात्रा करने में काफी सहूलियत मिलती है नक्शा हमें सही रास्ता दूरी नियत स्थान आदि के बारे में पूरी जानकारी देता है जिस प्रकार आज के जमाने में हमें गूगल मैप सारी जानकारियां देता है उसी से हम लोग आजकल की यात्रा करते हैं नेक्स्ट प्रश्न है कि पाठ में आए अंग्रेजी के शब्दों को छाटिए और इनके हिंदी में अर्थ ढूंढ कर लिखिए इसका आंसर है टिकट टिकट मतलब अधिकार पत्र होटल मतलब भोजनालय या सीजन मतलब मौसम मतलब रिजर्व मतलब 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 रिजर्व आरक्षित, मोटर सीट बैठने का स्थान पर्त मतलब सोने का स्थान अगला प्रश्न है एक किल की वजह से राज खोज जाता है ये कहावत है ऐसी ही कहावतों को खोजिए और उनका अर्थ लिखिए तो इसका आंसर है अकेला चना मतलब मुहावरा है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता तो इसका अर्थ है अकेला व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता सेकेंड मुहावरा है आसमान से गिरा खजूर में अटका तो इसका अर्थ है एक मुसीबत से निकले तो दूसरी में आ पड़े थर्ड मुहावरा है सूरदास की काली कमरी चढ़े न दूजो रंग अर्थ है कि आदतें पक्की होती हैं, बदलती नहीं फोर मुहावरा है सो सोनार की एक लोहार की अर्थ हुआ काम को फैलाने की अपेक्षा एकदम कर डालना अच्छा होता है अगला प्रश्न है उचित संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए तो क वाक्य है उसी के अनुसार इसमें संबोधक है के अनुसार छुट्टी लीजिए और टिकट करवाइए। ख है लड़ाई के कारण इसमें संबो, उचित संबोधक शब्द है के कारण से बनता है। लड़ाई के कारण राज्य से हाथ धोना पड़ा है एक मामूली सी ढ़िबरी के चलते इसमें शब्द उचित संबोधक है के चलते थे सेवा क्य बनता है कि एक मामूली सी ढिबरी के चलते हम कैसी मुसीबत में पड़ गए घ है वाक्य नदी बढ़कर सड़क के ऊपर आ गई तो इसमें उचित शब्द है के ऊपर है सड़क पर से हटकर किनारे की ओर जाने लगे तो इसमें उचित शब्द है की ओर अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताए अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को करें जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले थैंक यू बच्चे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में